Hello everyone, this is Vinod Kumar Verma and you are watching Madhuban BK English classes. Once again, I am here in front of you with a very interesting video. So, let's begin. तो चलिए शुरू करते हैं. आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर. तो चलिए शुरू करते हैं. आज जानते हैं कि आज के वीडियो में क्या है. देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्टिव से पैसिव बनाने का सबसे सिंपल सा तरीका, आसान सा तरीका कि कैसे हम किसी भी सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में आराम से चेंज कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये तरीका क्या है. देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या एक्टिव टेंसेस एंड देयर पैसिव इक्विवेलेंट्स, यानी कि एक्टिव का सेंटेंस किस तरह का रहेगा, उसे हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, वो भी इस कंप्लीट वन एक सिंगल वीडियो में. ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बस आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक और समझिए कि कैसे हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बना सकते हैं. तो बस आपको करना क्या है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से याद रखना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है और समझना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि अगर देखिए एक तरफ क्या है टेंस और ये है एक्टिव वॉइस हमारा और ये है पैसिव वॉइस, यानी कि अगर टेंस रहे हमारा सिंपल, ध्यान दीजिएगा ये फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस रहे, तो सिंपल में जैसे मान लीजिए क्या होगा कि आपका रहेगा इस तरह कीप्स. मान लीजिए मैंने एक वर्ब को सेलेक्ट किया है, उसके बाद इसका रूप मैंने तैयार किया. ठीक है, अब इसके हिसाब से देखिए कैसे बनेगा. अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में कीप्स रहता है, दैट मींस कोई भी वर्ब, आप कोई भी वर्ब चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें अगर रहता है कीप्स, तो हम क्या करते हैं उसे पैसिव में जब चेंज करते हैं तो इज कैप्ट. ध्यान दीजिएगा, मतलब यहाँ एक सिंपल तरीका है. ठीक है, इस तरह से कि अगर कीप्स रहे तो हम उसे चेंज करेंगे इज कैप्ट, यानी कि इज लगाएंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देंगे. ठीक है, और इसी तरह से अगर कीप रहे तो आप उसको चेंज कीजिएगा उसका जो है, क्योंकि आप देखिए ये सिंगल सा वीडियो है और इसमें हम कंप्लीट जानने वाले हैं. अगर डिटेल में सब नॉलेज लेना है वन बाय वन कंप्लीट, तो आप आराम से प्लेलिस्ट में जाइए और सबका देखिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी टेंस का कंप्लीट एक्टिव से पैसिव का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये एक सिंपल सा तरीका है और आसानी से कैसे याद रख सकते हैं एक सिंगल वीडियो में, वो तरीका मैंने बताया है. तो देखिए ये क्या है, अगर रहता है किप्स तो हम करेंगे इसे इज कैप्ट. ओके, अब अगर रहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस इज कीपिंग, अगर रह गया इज कीपिंग, तो हम उसे पैसिव में चेंज करेंगे तो इज बीइंग कैप्ट, यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब है. ठीक है, इज आर एम कोई भी है, इज आर एम और उसके बाद वर्ब में आईएनजी वाला फॉर्म, तो हम क्या करेंगे उसको ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट व्हिच विल बी द सूटेबल. ओके, तो सूटेबल जो रहेगा वो हम लगाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब. आफ्टर दैट वी विल यूज being, after that we use third form of the verb. तो देखिए क्या करेंगे, is being kept. Okay, ऐसे in this way we can change active to passive easily, आराम से change कर सकते हैं. देखिए was अगर रहा इस तरह से kept, okay kept, यानी कि ये है simple past. Simple past में already we know that the structure of simple past tense subject plus v2 plus object. Okay, subject v2 object होता है simple past का, तो यहाँ क्या है उसमें v2 ध्यान रखना है, यानी verb का दूसरा रूप, यानी simple past. अगर यहाँ verb का दूसरा रूप मिल जाए तो समझ जाइए यानी कि वो क्या है वर्ब का, ये यानी सिंपल पास्ट टेंस का है, तो यहाँ कैप्ट है, दैट मींस वाज कैप्ट हम लगाएंगे. ठीक है, वाज कैप्ट, ये ध्यान दीजिएगा. अगर रहा वाज कीपिंग, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस रहा वाज कीपिंग, तो हम उसे कर देंगे वाज बीइंग कैप्ट. ओके, वाज बीइंग कैप्ट, जब पैसिव चेंज करेंगे तो उसका वर्ब का जो फॉर्म होगा वो इस तरह से बदल जाएगा. अगर आपका एक्टिव में इस तरह रहे क्या है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में हैज कैप्ट रहे, ठीक है, हैज कैप्ट रहेगा या हैव कैप्ट रहेगा, तो वो हमारा बनेगा has been kept या have been kept में जाएगा. ठीक है, दोनों आप वहां दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अगर इस तरह had kept, यानी कि ये past perfect का है, have kept, तो हम लगाएंगे उसको had been kept, यानी सिंपली समझना है have, has, had रहे तो उसमें been लगेगा. ठीक, और verb का तीसरा रूप तो सब में लगेगा, एक चीज तो ध्यान देना है. अब देखिए will keep, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस है, will keep रहे तो हम क्या करेंगे will be kept करेंगे, will be kept. ओके, अगर would keep रहे, would keep, ठीक है, अब ये देखिए क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस आ गया, कंडीशनल. ओके, शर्त वाला जो होता है ना, शर्त सूचक, तो इस तरह से अगर कंडीशनल सेंटेंस रह जाए तो उसमें हम करेंगे would. अगर मान लीजिए सिंपली आपको समझना क्या है, देखिए सिंपली समझना कि अगर एक्टिव में ये सारे रूप मिल जाए तो हमें बस इस तरह से कर देना, कोई दिक्कत नहीं, बाकी कुछ भी रहे टेंशन नहीं है, आराम से बन जाएगा. would keep रहेगा तो हमें करना क्या है, would be kept कर देंगे. ठीक है, अगर would have kept, यानी कि ये हमारा जो होता है परफेक्ट
परफेक्ट कंडीशनल है, ठीक है। परफेक्ट कंडीशनल का जो फॉर्म होता है वो होता है वुड हैव कैप्ट, ओके। और इसे जब हम पेसी में चेंज करेंगे तो आवर स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, वुड हैव बीन कैप्ट, वुड हैव बीन लग जाएगा। मतलब ध्यान सिंपली आपको ये रखना है कि अगर हमारा वुड हैव कैप्ट है इन दिस एक्टिव सेंटेंस तो हम पेसी में जब बनाएंगे तो वुड हैव बीन कैप्ट कर देंगे, ठीक है। ये उसके बाद देखिए प्रेजेंट इन्फिनिटिव जो होता है, इन्फिनिटिव हमने बताया था, इन्फिनिटिव में क्या होता है टू प्लस वी वन, अगर रहे टू प्लस वी वन तो वो इन्फिनिटिव आ जाता है। तो इन्फिनिटिव अगर टू प्लस वी वन है तो उसमें क्या करना है आपको पेसी में जब चेंज करते हैं तो टू बी तीसरा रूप टू बी कैप्ट कर देंगे। अगर ये रहे परफेक्ट इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या होता है टू हैव कैप्ट, ओके, इस तरह टू हैव वर्ब का तीसरा रूप। अगर एक्टिव में इस तरह सेंटेंस मिल जाए तो आप पैसिव में इस तरह चेंज कीजिएगा टू हैव बीन कैप्ट, ओके। अगर आपको देखिए पार्ट ये प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरंड मिल जाए यानी कि कीपिंग आईएनजी वाला फॉर्म, तो इसमें आप कैसे चेंज कीजिएगा, कीपिंग है तो बीइंग कैप्ट लगाएंगे, आईएनजी वाला फॉर्म ध्यान रखिएगा कि आईएनजी वाला फॉर्म आएगा तो उसमें बीइंग लगेगा वर्ब का तीसरा रूप। उसके बाद यह है परफेक्ट पार्टिसिपल, देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल में हम कैसे करते हैं हैविंग Having kept आपका यही रह जाएगा, किसमें एक्टिव में, एक्टिव सेंटेंस अगर इस तरह है तो आप पेसी में ऐसे चेंज कीजिएगा having been kept, okay? तो ये था हमारा स्ट्रक्चर एक सिंपल सा, अगर आप इसे याद रखेंगे तो आपको एक्टिव से पेसी बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि पेसी वॉइस में क्या होता है हमेशा हमेशा, ओके, वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का तीसरा रूप यूज करते हैं, यहाँ कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आपका ये, लेकिन बाकी आप स्ट्रक्चर याद रखिए, आराम से आप इसे चेंज कर सकते हैं। बाकी देखिए अभी हम लोग जो है टेंस वाला तो कंप्लीट पढ़ चुके हैं और इधर कंडीशनल वाला कुछ नहीं पढ़े, ठीक है, ये जेरंड वाला आधारित जो है पार्टिसिपल आधारित ये हमने नहीं पढ़ा है, तो हम आगे भी पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग अभी वॉइस का वीडियो कंप्लीट नहीं किए हैं, अभी चलिए रहे हैं, ठीक है, और ये अभी चलेगा और आपका कंप्लीट यानी कि जितने प्रकार के एक्टिव सेंटेंस का कोई है ना पेसिव बनता है, जितने भी प्रकार के एक्टिव सेंटेंसेस हैं और उसका पेसिव बनता है मैं सबको वन बाय वन करके बताने वाला हूं और सब बता रहा हूं, ठीक है, और मैं कंप्लीट बताऊंगा, तो बस आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए इस चैनल से। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप इस चैनल में जुड़ जाइए क्योंकि आपको इसमें इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे और कंप्लीट ग्रामर का कंप्लीट नॉलेज आपको इस चैनल में मिलेगा। चलिए आज तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।